श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माहे बैठाओ कर सिंगार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सिंगार ग्रंथ आरंभ होता है, इससे पूर्व सागर ग्रंथ था और उससे पूर्व परिक्रमा। तो ये सारे ग्रंथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिक्रमा से बात करते हैं तो परिक्रमा में परमधाम का वर्णन किया, एक प्रकार से कहें कि भौगोलिक वर्णन। उसमें फिर अक्षरातीत की अलग अलग प्रकार की लीलाएं, तो उनका वर्णन हुआ। तो उसके बाद में सागर ग्रंथ, तो सागर में ये समझाया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम परम धाम, इसका भी कोई पारावार नहीं है, और वहाँ के दृश्य उनका भी पारावार नहीं है, और अक्षरातीत धामधनी की शोभा है उसका कोई पारावार नहीं है। सागर कहने से तो ये है जिसका कोई पारावार ही नहीं है, और उनको मूल रूप से मूल मिलावा के साथ में जोड़ा कि सारी चीज़ें तो मूल मिलाव में अक्षरातीत धामधनी विराजमान है, राज्य और श्यामा जी ब्रह्मात्माएँ, उसी में सब कुछ है। ऐसा करके उन्हीं से ही तो सब है, आखिर धाम परम धाम जो भी है उनसे ही है, इसलिए सारे सागर मूल मिलाव में ही हैं। इस प्रकार से तो उनका अलग अलग रूप में भी समझा दिया, और वहीं बैठे बैठे वहीं हैं ऐसा करके भी समझा दिया, और उनका अनुभव करवाने के लिए तो फिर ये ज्ञान की बात कही और प्रेम की बात कही, प्रेम कैसा होता है, फिर संबंध की बात बताई निस्वत, और उसके बाद में कृपा की बात बताई। अब श्रृंगार ये कहना चाह रहे हैं कि श्रृंगार में ऐसे तो इसमें बहुत बातें हैं ज्ञान की, और सारी रीत भांत बहुत कुछ समझाया, बहुत बड़ा ग्रंथ है, किंतु मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी शोभा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही है, तो उनका ही ये सारा श्रृंगार है जो कुछ भी अनुभव कर सकते हैं अखंड का, और ये नश्वर जगत है, ये केवल कल्पना है, इस बात को समझाना चाह रहे हैं। तो अब ये मंगलाचरण आरंभ में ही है। वर्णन करूं रे रूह जी, कहते हैं कि हे आत्मा तुम इसका वर्णन करो, वर्णन करो रे रूह जी। तो अब आत्मा के लिए कह रहे हैं, हे आत्मा तुम वर्णन करो। हके तुम सिर दिया भार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये दायित्व तुम्हें दिया है। अरस किया अपने दिल को, माए बैठाओ कर श्रृंगार। तो तुम्हारे दिल को तुम्हें नश्वर शरीर दिया, और उसके दिल को परमधाम बना दिया, उसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हो गए, इसलिए अब माए बैठाओ कर श्रृंगार, उनको पूरी उनकी शोभा के साथ में उनको अपने दिल में बैठाओ, और फिर उनके श्रृंगार का वर्णन करो, उनके स्वरूप का वर्णन करो। तो ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुझे दायित्व दिया है, तुझ पर कृपा की है, आत्मा के लिए कह रहे हैं, अपने आत्मा के लिए। रूह चाहे वर्णन करूं, आत्मा तो चाहती है कि वर्णन करें अखंड स्वरूप के, अखंड स्वरूप का, और इस दुनिया में वर्णन करें, इस माया में सुपन में सतस्वरूप की, कि न कही न हक सूरत। किंतु आज तक का इतिहास ऐसा रहा है कि इस स्वप्नबद्ध जगत में किसी ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की बात नहीं कही है। तो स्वरूप की बात करेंगे तो फिर श्रृंगार की बात आएगी, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है।
रात दिन बसे हक अरस में मेरा दिल किया अरस सोए। रात दिन कहने का तात्पर्य सदा सर्वदा। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिव्य धाम में ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा तो मेरे दिल में बैठ करके उन्होंने इस दिल को भी धाम बनाया है। और परम धाम को छोड़ करके बैठा ऐसा नहीं है। जैसे श्री कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ करके मृत्यु लोक में आए थे, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम छोड़ करके आते हों ऐसा नहीं है। तो परम धाम के समय के हिसाब से दुनिया में तो लाखों करोड़ों वर्ष बीतेंगे, उसके लिए तो वहाँ तो एक निमेश भी नहीं होता है। ब्रह्मा आत्मा के हृदय में वो ब्रह्मा आत्मा स्वयं को भूल जाती है, दुनिया को देख करके सब कुछ भूल जाती है। जैसे किसी ने किसी उसमें बड़े पर्दे पर कुछ दिखा दिया, कुछ दृश्य, तो उस समय वो किसी को इतना अच्छा लगा अथवा तो जो भी हो इतना अच्छा लगा, तो उसमें वो कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे। तो ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये दुनिया दिखा दी, तो ब्रह्मा आत्मा सब कुछ भूल करके बैठी है। तो उसके उनके हृदय को भी ब्रह्मात्मा के हृदय को उन्होंने धाम बना दिया। क्यों न होए मोहे बुझ रखी, हाँ तो जब मुझे ये दायित्व दिया, सब वर्णन तुम्हें करना है, सदगुरु ने मुझे ये बताया था, तो मुझे ये सब समझदारी क्यों ना हो, तो ये वर्णन करने के लिए ऐसा हुआ न कोई होए। तो अभी तक किसी को ये दायित्व मिला परमात्मा की ओर से और उसके द्वारा ये काम हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ। कि न कायम द्वार न खोलिया अव्वल से आज दिन। अव्वल का तात्पर्य आरंभ, सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी तक किसी ने भी अखंड के द्वार खोल करके स्पष्ट ये अखंड धाम है ऐसा करके किसी ने नहीं बताया। सब ने अखंड है ऐसा करके वो दूर है ऐसा बता दे, जैसे सूर्य है चंद्रमा है ऐसा करके, कोई वहाँ जा करके देख करके बता दे ना कि ये चीज़ ऐसी है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। इस प्रकार से तो वो बता रहे हैं कि दूर से तो ये है वो है ऐसा बता दें, लेकिन वहाँ जा करके देखे तो अनुभव होगा ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये शोभा मुझे दी है, मुझे दायित्व दिया है, ये बताना चाह रहे हैं। कि न कायम द्वार न खोले अब्बल से आज दिन, जो कोई बोलिया सो फनामी ने, जो किसी ने यदि अखंड की बात बताई वो भी नश्वर जगत में बताई, उसको देख करके नहीं। कि न पाया न बकावत, न अखंड को यथार्थ में किसी ने पाया नहीं, तो दूर से है ये बताया, किंतु तो उसको देख करके बताने वाले ऐसे कोई नहीं मिले। अरस बका हक वर्णन सो बीच फना जिमी क्यों होए, इसलिए इस नश्वर जगत में अखंड का वर्णन नहीं हो पाया। अबल से आज दिन लगे बका शब्द न बोलिया कोई, इसलिए सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी तक कोई भी अखंड की बात इतना स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। नश्वर और अखंड की तुलना करके बता रहे हैं अंतर क्या है। ये चेतन कहा वे झूठी जीमी सो सब जड़ तो जान। इस नश्वर जगत में जो भी चेतन दिखाई देते हैं ये यथार्थ में जड़ी हैं, इनको जड़ी समझ लो। जो थीर कहा वे अरस में, परमधाम में जो स्थिर है, दुनिया में जो चलायमान है वो भी जड़ कहलाएंगे, परमधाम में जो स्थिर है तो उनको भी चेतन समझना चाहिए। परमधाम में हर वस्तु चेतन है और दुनिया में कोई भी चेतन नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है दुनिया जड़ ही है, चेतन तो इसमें थोड़े समय के लिए आते हैं, उनका दृष्टि पड़ती है, ब्रह्मात्मा और ईश्वरी सृष्टि उनकी तो दृष्टि पड़ी है, खुद तो चल करके नहीं आए हैं वहाँ छोड़ करके,
और इसको इस जड़ता को भी बढ़ाने के लिए जो चेतनाएं आई है वो भी अस्थाई आई है, मूल रूप से तो आए नहीं। तो दुनिया तो ये सब जड़ी है, मूल रूप से इसमें कुछ भी चेतन नहीं है, वो अस्थाई थोड़े उस क्षण के लिए जो भी जीव सृष्टि आती है तो इस प्रकार से आती है। ये झूठी रवे से और है और अरस में और नामक, दुनिया की रीत भांत इसलिए झूठे हिसाब से अलग प्रकार की है और परमधाम की रीत भांत अलग है। तो परमधाम को समझने के लिए पहले परमधाम की रीत भांत को समझना होगा। एक या निमुना अरस जानने पर बने न तफावत, ये उदाहरण जो दे रहे हैं दुनिया का परमधाम को समझाने के लिए बता रहे हैं, किंतु ये अंतर बताना, तफावत का तात्पर्य अंतर, अंतर बताना भी ऐसे ऐसे तो बनता नहीं है क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। परमधाम के लिए तो दुनिया में कोई उदाहरण है ही नहीं, इसलिए तो ये अंतर भी समझाने के लिए बताया। वास्तव में तो इसमें अंतर बताने का कुछ होता ही नहीं है। सतलोक मृतलोक दो कहे और स्वर्ग कया अमृत, तो दुनिया में सत्यलोक उसको तो अखंड मान दिया और मृतलोक तो मृत्यु होता है इसलिए वो नाशवान मान लिया, और स्वर्ग कया अमृत स्वर्ग को भी अमर मान दिया क्योंकि स्वर्ग में भी कोई मरते नहीं है। जब सारा स्वर्ग ही नाश हो जाता है तो फिर कहाँ चले जाएंगे। तो वो क्या है कि मृत्यु लोक में जो रात दिन मरना जीना होता है तो उससे स्वर्ग में फर्क है, उस बात को समझना जरूरी है। किंतु सामान्य लोगों को ये मालूम है स्वर्ग में मरते नहीं है, अमृत पिया तो अमर हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव जी के सामने भी देवता लोग अमृत लेकर के आए थे, इसको तो राजा परीक्षित को तो मृत्यु का भय है तो ये अमृत पिला दीजिए तो उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और आप जो अमृत पिला रहे हैं वो हमें पिला दीजिए, वो बताने के लिए आए थे। जो नीचे किताबें देखिए तो ये सब उड़ेसी असत, यदि इन्हीं दुनिया में जो प्रचलित धर्म ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों को यदि भली भांति विचार करें, उसका तलस्पर्शी अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो जिसको सतलोक कह रहे हैं, जिसको अमर कह रहे हैं स्वर्ग को और मृत्यु लोक के सारे नाश होने वाले हैं, इन्हीं ग्रंथों में बताया है। इन्हें झूठी जिमी में कहता हूँ सांच झूठाए दोए, इस झूठी जिमी में भी कह रहे हैं सांच और झूठ, यहाँ भी कुछ वस्तुएं काफी देर तक टिकने वाली होती है इसलिए वो सत्य जैसी लगती है, और जो कुछ चीजें हैं क्षण क्षण में बदलती रहती है इसलिए वो असत्य जैसी लगती है। अब आगो अर्श के देखिए तब इनमें न साचा कोय, तो परमधाम की दृष्टि से देखा जाएगा तो दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है। दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ कुछ सत्य लगता है और कुछ असत्य लगता है, परमधाम की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी सत्य नहीं है। अरस हमेशा कायम, परमधाम तो अखंड है सदा सर्वदा, ये दुनी न तीनों काल, दुनिया का अस्तित्व तो तीनों काल में नहीं है। हुआ है ना हो ऐसी तो क्यों दीजिए अरस मिसाल, तो न तो ये दुनिया न तो इसका कोई उदाहरण दिया जा सकता है, ना हुआ है ना हो ऐसी न भविष्य में होगा, इसलिए परमधाम के साथ परमधाम के का उदाहरण दुनिया में दिया ही नहीं जा सकता। तो अथवा तो परमधाम के लिए दुनिया का मिसाल का तात्पर्य उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता। ये बारीक बातें अरस की इत दिल जुआ पहुँचे नाए, परमधाम की बहुत इस सूक्ष्म बातें हैं गूढ़ बातें हैं तो वहाँ तक ये दिल और वाणी नहीं पहुँचते, मन और वचन दोनों ही नहीं पहुँचते। ए हुक्म कहवे हक का इल्म हुक्म के माँ हैं, जो कुछ बताया जा रहा है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से कहा जा रहा है
और ये ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश के अधीन है। सत सुख के स्वरूप में कई आनंद आराम, तो परमधाम के स्वरूप में कई सत्य सुख है। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करो निर्धार बोलते हैं ना, तो इसमें कई सुख है। तो परमधाम के स्वरूप में कई आनंद आराम, अनेक आनंद जितना समझ लो पारावारी नहीं है आनंद का, शांति का। कई खुशहाली खूबियां, कई खुशहाली खुशियां खूबियां, ऐसी विशेषताएं, अंग छूटे ना आठों याम, तो वो आनंद तो आठों याम तो दिल से छूटता ही नहीं है। अरस सबे है चेतन, परमधाम में सब कुछ चेतन है, हर चीज में सब गुण, प्रत्येक वस्तु में सब प्रकार के गुण मिलेंगे। सब न्यामते एक चीज में कमी न माए कि न, किसी एक में भी सब प्रकार के गुण मिलेंगे, इसलिए कमी न माए कि न, परमधाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इन झूठी जीमी में वर्णन सत्य स्वरूप को कहो न जाए, तो सत्य स्वरूप का वर्णन दुनिया में हो नहीं सकता। जो कबू कानों ना सुनी, जो कभी कान से भी नहीं सुना है, सो क्यों जीव हृदय समाए, तो वो हृदय में वो बात जीव के हृदय में कैसे टिकेगी। जो कभी सुना ही नहीं, नहीं सुना होगा तो उसको कैसे स्मरण कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। दुनिया की रीत से तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ए लीला जाने सृष्टि ब्रह्म की, परमधाम की लीला तो ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है। जाए पहुंचा होए तारतम्य, उसमें भी वही ब्रह्मात्मा जान सकती है जिसको तारतम मिला है और तारतम को जिसने समझ लिया है। ये दृष्टि पूर्ण तब खुले जाए अबल आखर इलम, जब ये दृष्टि पूरी खुल जाती है, ये दृष्टि पूर्ण तब खुले तो जाए अबल आखर इलम, तो जिसको अबल का तात्पर्य आरंभ, तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि के आरंभ का ज्ञान भी जिसको प्राप्त हुआ हो, तो अभी तक जो परंपरागत रूप से चल रहा है, और इन कहने का तात्पर्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी हो, और उन धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने के लिए तारतम ज्ञान आखिर में आया है, तो उस ज्ञान का भी जिसको पता हो, तो वो इन सारे रहस्यों को बता सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। उनकी दृष्टि खुल जाती है तो वो उसको परमधाम का वर्णन कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मात्माओं को शोभा दी। कहे वेद वैराट कछु ये नहीं, यथार्थ में देखो तो वैदिक ग्रंथों में कहा है कि विराट कुछ भी नहीं है, जैसे आकाश फूल, ये सारा ब्रह्मांड जैसे आकाश का फूल बोल देते हैं, तो आकाश में फूल होता ही नहीं है, तो बोलने के लिए बोल दिया, कुछ नहीं है ये कहने के लिए बताया। ये 14 तब का जरा नहीं, तो ये 14 लोक का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ना कछु डाल न मूल, तो इसका न तो शाखाएं हैं, ना मूल है, ना कुछ है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ना कछु डाल न मूल, कहे वेद बैराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, ए 14 तब का जरा नहीं, ना कछु डाल न मूल, ना कछु डाल न मूल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज।